अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्लाइस से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड यानी स्लाइस और मिल्क। स्लाइस के गुलाब जामुन बनाने के लिए स्लाइस के चारों साइडों को हम रिमूव कर देंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए स्लाइस के चारों साइडों को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे इस तरह से। चारों साइडों को मैंने रिमूव कर दिया है। हमें ये सेंटर का हिस्सा चाहिए गुलाब जामुन बनाने के लिए, और इसके साइडों को आप ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब आप इन स्लाइसेस को या तो मिक्सिंग के जार में पीस लें, या फिर हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से तोड़ लीजिए। अब आप इन स्लाइसेस को या तो हाथों की मदद से तोड़ लीजिए, या फिर मिक्सिंग के जार में पीस लीजिए। मैंने वक्त क्योंकि कम है, तो इसलिए मैंने हाथों की मदद से बहुत बारीक बारीक कर रही हूँ। इसके बाद हम मिल्क डाल के इसकी डो बनाएंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हाथों की मदद से इसे मिक्स करके इसके अच्छे तरीके से डो बना लेंगे। हमारी डो तैयार हो चुकी है। मैंने इसे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है, मिल्क और स्लाइस के साथ। हमारी डो के छोटे छोटे गोल गोल पेड़े बना लेंगे। गोल गोल पेड़े बना लिए हैं। अब हम शीरा तैयार करते हैं। शीरा बनाने के लिए हमने इस पैन में एक कप पानी डाला है। इसके साथ हम चीनी ऐड कर देंगे, जितना हमें शीरा बनाना है। एक तरह का शीरा हमें बनाना है। शीरा बनाने के लिए हम एक दो उबाल इसे देंगे, ताकि इस पर एक तार की हमें ज़रूरत है, वो आ जाए। तब तक हम गुलाब जामुन तलते हैं। गुलाब जामुन तलने के लिए हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। तलने के लिए हमारा ऑयल बिल्कुल तैयार है। हमने एक गुलाब जामुन डाल के देख लिया है। अब हम इसमें सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। तब तलेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखते हैं कि हमारे गुलाब जामुन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। हमें मज़ीद इसे कुछ देर पकाना है, ताकि ये और डार्क हो जाए। देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन तल के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और इनका कितना प्यारा सा इनका कलर आया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये, बहुत ही आसानी से तैयार हुए। हमारा शीरा भी बिल्कुल तैयार है, जिसे हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। गुलाब जामुन को हम शीरे के अंदर डाल देंगे। गुलाब जामुन को हम शीरे के अंदर डाल देंगे। अरे गुलाब जामुन जो है एक घंटा हो चुका है, तो हम इसे शीरे से निकालेंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारे गुलाब जामुन खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही आसानी से बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।